बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ये निसान टीटा 2008 मॉडल है। इसका मसला है कि एक कोई काम नहीं कर रहा था, एक करंट नहीं आ रहा था। तो इसका मसला कंप्यूटर ख़राब था, तो इसका दूसरा कंप्यूटर लगाया हूँ। तो इस वीडियो में बताएंगे ना इसका कंप्यूटर लगा के कैसे प्रोग्राम करना है। इसका मिसफायर का प्रॉब्लम था पहले। इसको निसान में जाना है, इसको मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसका मैनुअल सिलेक्शन मॉडल में जाके निसान, ये निसान टीडा है, टीडा सेलेक्ट करेंगे इसमें। हो गया इसका, यूरोपियन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यूरोपियन गाड़ी ज़्यादा है ना, 2008 मॉडल है, तो इसको माइनस 2012 के नीचे करेंगे, ठीक है। रेड में गया प्रोग्राम की, ये बोला इमरजेंसी स्विच चालू करने के लिए, तो इसने इमरजेंसी स्विच ऑफ करके इसका हेजर का जो लाइट होता है ना वो चालू कर देना है। और वो चालू करने के बाद, इंटर करने के बाद चार की सेट कर सकते हैं बोल रहे हैं ना, चार चाबी है ना, आप एक बार में प्रोग्राम कर सकते हैं इसको। अब बोला ड्राइवर साइड का डोर खोल के बंद करने के लिए, तो उसका जो स्विच होता है ना उसको प्रेस करके छोड़ के फिर से प्रेस करके रखना है। पिन कोड, ये गाड़ी का पिन कोड मांग रहा है, तो अभी इसको फिर से बैग जाएंगे पूरा, इसका पिन कोड निकालते हैं, पिन कोड निकाल के फिर प्रोग्राम करेंगे इसको। पिन कैलकुलेटर में जाके पिन निकालेंगे इसका, बीसीएम नंबर का स्विच ऑन करना है। इसका ये बीसीएम का कोड है ना, तो इसको आप लिख लीजिए या फोटो खींच लीजिए इसका, क्योंकि जब प्रोग्राम करेंगे ना तो ये पिन कोड मांगेगा, तो वहाँ पे ये पिन कोड देना पड़ेगा। तो फिर से वहीं चलना है जैसे अभी गया था ना प्रोग्राम के लिए, तो जैसा जैसा बोलेगा फिर से डोर बंद करके खोल के फिर से बंद करना पड़ेगा। इसमें खुद ही बताता है कैसे करने का, नहीं करने का, क्या क्या, वही सिस्टम से फिर आपको करना पड़ेगा उसे प्रोसेस के हिसाब से। यहाँ पे कोड डालता हूँ मैं, कोड अभी जो फोटो खींचा था ना वो कोड डाल के देखता हूँ। कोड नहीं ले रहा है, इसको रिवर्स आना है पीछे फिर, और न्यूजीलैंड में चेक करता हूँ एक बार। स्टेरिंग लॉक में जाना है, फिर रिलीज स्टेरिंग लॉक, इसका हेजर चालू करने बोल रहा है जैसे पहले जैसे बता रहा था ना, और फिर और डोर बंद करना है, उसके बाद फिर ड्राइवर सेट का डोर खोल के फिर से बंद करना है। वह इसमें ट्राई करके देखता हूँ। इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, किसी में भी ट्राई करने से ना हो जाता है, कभी कभी तो किसी में फर्स्ट बार में ही हो जाता है। ये बीसीएम का ओल्ड कोड इसमें ऑटोमेटिक रीड कर लिया है, ओल्ड कोड न्यू कोड भी दे दिया है, तो इंटर करके देखता हूँ। ये फेलियर द पॉसिबल इधर ही है, ये फेल हो गया है, तो उसको फिर से बैक करके दूसरे में ट्राई करता हूँ, इस बार स्टेरिया में ट्राई करके देखता हूँ। जैसे इसको पहले बार में चूज़ किया था ना सेम और साइज फिर से करना है।
इमरजेंसी स्विच ऑन करना है और बाकी सब डोर बंद करना है, और ये चार चाबी आप सेट कर सकते हो। ये चाबी लगाने बोल रहा है, चाबी इसको लगा देते हैं इग्निशन में। ड्राइवर डोर, इसको ड्राइवर सीट का डोर खोल के बंद करना है, जैसे पहले बताया था ना सेम वैसा फिर से ही बता रहा है वो। ड्राइवर सीट का डोर खोल के बंद कर देना, उसका जो स्विच होता है ना वो छोड़ के फिर से प्रेस करके रख दीजिए, चलेगा। इसका पहले जैसा ये भी रेट कोट कर लिया है, BCM का कोड रेट कर लिया है। इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कैसे कैसे में जल्दी हो जाता है, ये निशान का है ना बहुत टाइम लेता है। एक दिन सर स्विच ऑफ करने बोल रहा है, एक दिन स्विच को ऑफ कर देंगे। और फिर से फर्स्ट की बोल रहा है कि इसको लगाने के लिए ऑन करना है। प्रोग्राम सक्सेस बता रहा है, तो स्विच ऑफ करने बोल रहा है फिर से वो, अनदर की फिर से सेट करने बोल रहा है ना इसके लिए। फिर इसको ऑफ करके फिर से की दूसरा डाल के ऑन करने बोल रहा है। अगर आपके पास एक ही की है तो उसी को आप फिर से ना ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ये इसको गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हो गया अपना, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है। किसी किसी में ना टाइम लेता है ना, तो किसी किसी में जल्दी हो जाता है। पहले बार में किया, यूरोप में हुआ नहीं, न्यूजीलैंड में किया हुआ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाके किया तो हो गया। किसी किसी यूरोपियन में, क्योंकि ये गाड़ी है ना यूरोपियन है, तो इसमें लिया ही नहीं फर्स्ट बार में। और ये इसका इग्निशन स्विच है, अगर नहीं होता ना तो फिर लास्ट में ऑप्शन यही है कि फिर इसको लगाना पड़ता है। इसको लगा के इसका चाबी के साथ है ये प्रोग्राम करके देखते, अगर फिर भी नहीं होता तो फिर BCM भी साथ में बदलना पड़ता है। किसी किसी में ऐसा होता है, नहीं तो किसी किसी में तो एक ही बार में प्रोग्राम हो जाता है, नहीं तो फिर पूरा सेट के साथ वो चेंज करना पड़ जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।